श्रीक्षेत्र जे केवल महाप्रभु बड़ देउल एवं महोदधि प्रसिद्ध ता नुहे तीर्थ पुष्करणी परिचित श्रीक्षेत्र में रही बहु प्राचीन पुराण आधारित पुष्करणी कार्तिक मासरे हबिष और पंचुक करुवा महिला माने पंचतीर्थ परिदर्शन करने समय श्रीक्षेत्र चारि प्रमुख पुष्करणी दर्शन करगुड़िक नरेन्द्र इंद्रद्युम्न मार्केंडेय और श्वेतगंगा पुष्करणी आसतु जाणवा से चारि पुष्करणी विषय बालेश्वर रही श्वेतगंगा पुष्करणी श्वेतगंगे स्नान कर तटदेश विराजित श्वेत माधव और मत्स्य माधव को दर्शन कले ब्रह्म हत्या गोहत्या आदि महापापर मुक्ति मिलता है विश्वास रही। इंद्रद्युम्न पुष्करणी राजा इंद्रद्युम्न सहस्र अश्वमेध यज्ञ कर कोटि कोटि गोदान करते यज्ञ आसुवा गोरु खुरार एक विराट खाल सृष्टि होता गोमूत्र गोमयर पवित्र यह गात तीर्थ पुष्करणी भाव रूपातरित होता कार्तिक मासरे व्रतधारी माने एठारे स्नान करिबा परे दान दक्षिणा प्रदान कर नृसिंह दर्शन करिथांती। श्रीमंदिर उत्तर पार्श्वरे रहिछि मार्कंडेय पुष्करणी अन्य तीर्थ अपेक्षा एठारे सर्वाधिक तीर्थयात्री स्नान दान तर्पण श्राद्ध और दशाकर्म करिथांती। भाद्रव कृष्ण एकादशी श्री जगन्नाथ कालिया दलन नीति यह पुष्करणी में अनुष्ठित होता है। नेत पिला माने एठारे बालुका लिंग स्थापन करी दुर्गा पूजा समय रे पूजा करिथांती। नरेन्द्र पुष्करणी में महाप्रभुंकर चलंती प्रतिमा चाप खेलती महाप्रभुंकर चलंती प्रतिमा मदन मोहन कृष्ण बलराम और पंच महादेव प्रतिवर्ष एठाक आसी चाप खेलती। यार पूर्व बाया बाबा मठ पश्चिम विशेश्वरी ठाकुराणी और चुड़ंग पोखरी उत्तर में जटिया बाबा मठ और दक्षिण में जगन्नाथ बल्लभ मठ रही पुष्करणी मझे दीपदाण्डी रही जगन्नाथ चंदन यात्रा अनुष्ठित होथिबारु यार नाम चंदन सरोवर नाम नामित करा जाएछी।